So, Vidhi, write down case base. At 298 Kelvin, the vapor pressure of pure benzene and the vapor pressure of pure toluene is 0.0925 bar to mixture were prepared as follows. लिया क्वेश्चन पढ़ लिया. अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस केस बेस्ड स्टडी. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना आपने. यू हैव टू फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड यू आर गिवन विद द ऑप्शन ए 0.128, B 0.174, C 0.198. This is the first part. Case based study में
डिफरेंट पार्ट आएंगे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड डी 0.258. फर्स्ट पार्ट में आपने टोटल वेपर प्रेशर निकालना. निकालो पहले इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर निकालोगे बेटे. अब क्वेश्चन समझो पहले. आपको प्योर बेंजीन का और प्योर टोलुइन का वेपर प्रेशर गिवन है. देखो प्योर बेंजीन का 0.256 बार है और प्योर टोलुइन का 0.0925 बार है. ठीक है. अब वेपर प्रेशर अगर बेंजीन का निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं. जैसे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से यही करते हो आप. नहीं ठीक. वैसे ही पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी. तो हमने क्या निकालना है पहले. यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन जैसे बेंजीन की चाहिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन टोलुइन की चाहिए. अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो आप. नंबर ऑफ मोल्स तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है. गिवन मास ओवर गिवन मास कितना है. आपने सॉल्यूशन वन का वेपर प्रेशर निकालना है. ये दोनों से सॉल्यूशन वन का वेपर प्रेशर निकालना है. ये दो सॉल्यूशन गिवन. यू हैव टू फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वन. योर टाइम स्टार्ट नाउ. आगे आंसर. हाँ जी. द स्टूडेंट सिटिंग इन ऑनलाइन विच ऑप्शन इज करेक्ट. What is the mole fraction of benzene and what is the mole fraction of toluene? कितनी देर.
सोचो आपके पास कितना कम टाइम होगा। योर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मस्ट बी 0.5 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलवीन इज ऑल्सो 0.5। आ रही है? अब 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 0.025 के साथ, 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 0.256 के साथ। और जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर दोगे एंड योर आंसर विल बी 0.17425। सो द ऑप्शन विल बी बी। अब करके देखना ये वाला। अब नेक्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में बेटे, विच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन हैज हायर वेपर प्रेशर। तो हमने फर्स्ट पार्ट में वेपर प्रेशर निकाल लिया जो है हमारा 0.174। इसका मतलब हम सेकंड पार्ट में वेपर प्रेशर निकाल लेंगे तभी हमें आंसर पता चलेगा। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेम वैसे वेपर प्रेशर निकालो। ऑप्शन में दे रहे हैं ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी बोथ हैव इक्वल वेपर प्रेशर एंड डी कांट बी प्रेडिक्टेड। You are getting 1 minute only. Third part of this MCQ. बेटे सेकेंड पार्ट का आपका वेपर प्रेशर सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आएगा 0.026675। योर आंसर विल बी कि फर्स्ट कहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा है बिकॉज टाइम इज अप। ओके नाउ थर्ड पार्ट देखो, हरी अप। थर्ड पार्ट में इस केस बेस्ड स्टडी में आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस तो कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए हमें पता है वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ बेंजीन और पी टोटल राउल्ट्स लॉ में आता है। यहाँ पे आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। जब आप राउल्ट्स लॉ सॉल्व करते हो तो उसमें आएगा। तो आपको यू आर गिवन विद इन सॉल्यूशन वन यू हैव टू फाइंड आउट। देखो पी नॉट भी आपको गिवन है, सॉल्यूशन फर्स्ट का वेपर प्रेशर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो दैट इज 0.174।
गेटिंग माई पॉइंट? ये आपको ऑलरेडी गिवन है 0.256, ये आप निकाल चुके हो फर्स्ट सॉल्यूशन का 0.174, तो अब इस ऑप्शन में से बताओ. वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन लोगे बेटे, पी नॉट नहीं लोगे, क्योंकि हमने वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में निकालना है. सॉल्यूशन में पी नॉट नहीं लोगे. जो आपने यहां निकाला है, यहां निकाला था वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में निकालने के लिए यू विल टेक हियर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. वो कैसे निकाला था? पी बेंजीन इज इक्वल टू पी नॉट बेंजीन इंटू ये लोगे आप, क्योंकि हमने वेपर फेस में निकालना है. वेपर फेस में अब बेंजीन प्योर नहीं रहेगी जब सॉल्यूशन हुई. सेकंड का क्या करना है आपने? सेकंड का ये रहा. ठीक है, तो योर आंसर मस्ट बी 0.734 आ रहा है. फोर्थ पार्ट बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? लिसन टू द स्टेटमेंट केयरफुली. मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज इज मोर इन सॉल्यूशन वन. तो आप पहले मोल फ्रैक्शन निकाली टोलुइन की सॉल्यूशन वन में. मोल फ्रैक्शन अगर निकाल ली है तो 0.05 आई है, सॉल्यूशन टू में 0.15 आई है, आई थी. तो हम ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर स्टेट वो कम है. मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज इज लेस इन सॉल्यूशन वन, बिल्कुल सही है. मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन जो है हमारी सॉल्यूशन वन में 0.5 आई है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन सॉल्यूशन टू में 0.15 आई है. तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इज लेस इन सॉल्यूशन वन. तो बेंजीन की 0.5 आई थी और सॉल्यूशन टू में बेंजीन की 0.05 आई थी. तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. मींस हमारी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? सिर्फ सेकंड वाली. अब एक और केस बेस्ड स्टडी देखो, और इसमें जो सब पार्ट है वो सारे assertion reasons है. ठीक है, राइट डाउन वन मोर केस बेस्ड स्टडी. If some solute is added to solvent, the boiling point of solution increases. This is
नॉन एस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ यू आर गिवन वी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम एंड दे आर राइटिंग के बी इज मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट एंड डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। Now also it is given KB is equal to MR T square over delta T HB H into 1000. So they are saying that molar mass can be calculated as MB is equal to KB into WB into 1000 divided by delta TB into WA. So this is case you are given with. Now you are given with certain assertion reason which you have to answer. So case based study में दोनों type के question आएंगे बेटे with 4 MCQ और 5 MCQ और 5 assertion reason. अगर दो case based आई तो दो case based में एक assertion reason वाली होगी एक MCQ वाली होगी. बेटे देखो आपकी syllabus में MCQs 35 marks पूरे हैं MCQs, assertion reason फिर case based study वाले. अब MCQs में match the following भी है जैसे मैंने करवाया अभी था कि इसमें से आपको choose करना होगा बाद में, ठीक है. अब first assertion सुनो, in a pressure cooker the water is brought to boil, ठीक. The cooker is then removed from the stove. Now, on removing the lid, pressure cooker, the water start boiling again. Again, I repeat कर रही हूँ. In a pressure cooker, water is brought to boil. Water को हमने boil कर दिया. The cooker is then removed from the stove. जो cooker है उसके बाद हमने boil करके उसको स्टोव से रिमूव कर दिया. नाउ रिमूविंग द लिड ऑफ द प्रेशर कुकर द वॉटर स्टार्ट बॉइलिंग अगेन. नहीं, वो कह रहे हैं कि जब आप लिड रिमूव करते हो, ठीक है, हमने कुछ बॉइल किया, बॉइल करके तो उसके बाद कुकर को रखा और उसके बाद जब हम लिड रिमूव कर दें, कभी करके देखिए राजमा बन रहे हो तो लिड रिमूव करना, जब तो आप देखोगे कि वहां पे बॉयल्स आ रहे होते हैं अभी भी. ऐसा क्यों बताओ? देखो जैसे हम हिली एरियाज में बात करते हैं, असर्शन को ही समझो पहले. असर्शन में कोई करेक्ट स्टेटमेंट है, समझो क्यों है. कुकर बंद किया आपने, एटमोसफियर प्रेशर बढ़ा दिया. जब एटमोसफियर प्रेशर बढ़ेगा तो देयर विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोसफियर प्रेशर होता है. अब आपका जो वाटर है वो हाई टेम्परेचर पे बॉइल करना शुरू करेगा. सब्जी में जो वाटर है वो हाई प्रेशर पे बॉइल करना शुरू करेगा टेम्परेचर. अब जब आप लिड रिमूव कर देते हो, कुकर अभी गर्म है, आपने ठंडा नहीं किया, हमने जस्ट लिड रिमूव करी है, तो एक्सटर्नल प्रेशर आपने कम कर दिया, एटमोसफियर प्रेशर कम हो गया, तो अब
अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है, अब वाटर क्या करेगा, कम टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, तो थोड़ी देर जो सब्जी है वो बॉईल करती है। समझ आ रही है? बिल्कुल सही है कि अगर प्रेशर कुकर की जब आप लिड रिमूव करते हो तो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग अगेन, क्योंकि बाहर वाला एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है, अब वो कम टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। इतना टेम्परेचर तो है ही है कुकर में अभी, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया था प्रेशर लगा के। रीजन दे रहे हैं, द इम्प्योरिटीज इन वाटर ब्रिंग डाउन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। रीजन गलत है सगो, अगर हम इम्प्योरिटी लगाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट असर्शन सुनो। आपने लिखनी है तो लिख लो, क्योंकि ये असर्शन एक न्यूमेरिकल बन के आई हुई है। राइट डाउन, ऑन डिजॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर, ऑन डिजॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन गेट हाइयर देन दैट ऑफ बेंजीन बाय 0.081 केल्विन। देन द फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज एक्स जी समथिंग। या एस एड लिख के रख लो, एस एड लिखो, मैंने गलत किया हुआ, एस एड होना चाहिए। द केबी फॉर बेंजीन इज इक्वल टू 2.53 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। दिया शोषण है आपकी, और रीजन है द मोलर मास ऑफ सल्फर कम्स आउट टू बी 253। अब देखो, हमें वैसे भी पता है बेटे सल्फर एसेट ही है, ठीक है, ऑक्टाटॉमिक है, पता है, मोनोक्लिनिक ऑर्थोरॉम्बिक करते हो आप, एस एट ही करते हो। अगर हम इसका मोलर मास निकालेंगे एस एट का, तो कैसे निकालोगे? एक सल्फर का 32 होता है, तो 32 × 8 कितना आ रहा है आपका? 253 नहीं आ रहा? तो इसका मतलब हमारी रीजन गलत ही होगी फिर, असर्शन एस एट ही आएगी। अगर एस एट भी नहीं आया तो इससे ज्यादा आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट जो दी है इसके हिसाब से दे आर सेइंग असर्शन रीजन है बिल्कुल राइट। इसका मतलब इन्होंने कोई गलती करी है, क्योंकि हमारा तो ये 250, ये कह रहे हैं 253 आना सही है, पर हमारा आ नहीं रहा। दे आर फाइंडिंग आउट मॉलिकुलर मास टू बी 253। देखो आपका आ रहा है 253। हमने ये तो गैस मारा है ना, पहले हम देखें कि ये इसका मोलर मास, अगर इनकी वैल्यू पुट करें, क्या एस एट आ रहा है, क्या 253 आ रहा है? के की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, के की वैल्यू पुट करो 2.53 × 1000 इंटू गिवन वेट, कितना गिवन है आपको? 3.24 डिवाइडेड बाय 0.81 इंटू 40 करके देखो कितना आ रहा है।
आ गया, फिर तो सही कह रहे हैं ये। अब हम ये देखें कि सल्फर में कितने एटम्स होने चाहिए। अगर सल्फर में कितने एटम्स होने चाहिए कि उसको हम 32 से मल्टीप्लाई करें तो 253 आ रहा है। ये देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे आप तो कितने एटम्स आ रहे हैं आपके। अब हम पॉइंट कितने आ रहे हैं कि अब तो राउंड ऑफ हो रहा हो तभी ये सेशन करेक्ट बोल रहे हैं ना बेटे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको करके देखना पड़ेगा। क्या पता 7.89 के करीब आ रहा हो तो राउंड ऑफ करके 80 बन जाए। 9 तक अगर आए तो हम 8 मान के चलेंगे इसको, तो बिल्कुल सही है। फिर असर्शन भी सही हो जाएगी, रीजन भी सही हो जाएगी। तभी मैंने बोथ द वे में करवाई है। अगर गैस मारोगे तब भी आपने देख लेना कि अगर गैस सही चल रहा है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटी। असर्शन, व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। हाँ, नॉन वोलाटाइल हमने सोल्यूट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीजन, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कुकिंग टाइम इन प्रेशर कुकर इज रिड्यूस्ड। असर्शन है कुकिंग टाइम इन प्रेशर कुकर इज रिड्यूस्ड। ऑब्वियस ही बात है, चावल बनाते 2 सीटी में बन जाती है 1 सीटी में, और यही कढ़ाई में डालते तो 15 मिनट लग जाते हैं क्योंकि आपका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है। वो जल्दी बॉयल होके जल्दी पक जाती है। इज वेरी मच राइट कि कुकिंग जब आप प्रेशर कुकर में करते हो तो जल्दी हो जाएगी। बेटे हीट ज्यादा लगेगी, एक बार हीट मिल गई वो जल्दी पक जाएगी। हीट आपके ऊपर डिपेंड है ना, कितनी जल्दी देते हो। अब ऐसे तो अगर हम बड़ी कढ़ाई में राजमा बनाने लगे फिर तो 2 घंटे लग जाने हमारे, तभी हम प्रेशर कुकिंग में 20 मिनट में बना देते हैं। तो ऐसी सब्जी तो कभी हम, ये जो दाल एंड ऑल है, चलो गुरुद्वारे वगैरह में हमारे पास बहुत टाइम होता है, वो कटती रहती हैं, मगर घर में मम्मा कुकर ही बनाते हैं। आपने देखा होगा कि हमें विसल बना के खत्म करनी है कहानी। वी डोंट हैव 2 आवर्स टू कुक। नेक्स्ट रीजन, बॉइलिंग पॉइंट इन साइड द प्रेशर कुकर इज रेस्ट। बिल्कुल सही है, बॉइलिंग पॉइंट इन द प्रेशर कुकर रेज होता है। नेक्स्ट बेटे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 आइसोटोनिक सोल्यूशन इज सेम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 आइसोटोनिक सोल्यूशन इज सेम। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, द सोल्यूशन विच आर ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, एंड इफ द सोल्यूशन आर सेम कॉन्सेंट्रेशन मीन सेम नंबर ऑफ मोल्स, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। सेशन बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। रीजन दे रहे हैं क्या? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दिस इज द चेंज। यही आपने रीजन ध्यान से एग्जाम में पढ़नी है। दे आर राइटिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट कब करता है? बॉइलिंग पॉइंट अलोन इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टाइम इज आई थिंक अप, इट इज 35। टुमोरो विल स्टार्ट।